आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है, उसका शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें, इस योजना के तहत जो बच्चे हैं कोरोना काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए, जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया, ऐसे बच्चों के भरण पोषण के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बराबर बनाए रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आज हमारी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4,000 रुपये हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। वे बच्चे अगर उनके लिए, जिनके माता पिता या कोई लीगल गार्जियन नहीं है, तो बाल संरक्षण गृह में, या फिर उन बच्चों को हम लोगों ने इस वर्ष से हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय जहां पर हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर के आने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से किसी भी समय में निराश्रित हुए हैं, उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम के साथ हम उनको जोड़ने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जो आज उन्होंने बच्चों के साथ किया, बहुत ही उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूं, और जो उन्होंने बच्चों की लाइफ के बारे में सोचा उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूं। आगे चल के मैं उनसे यही प्रयास करूंगी कि जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए, उनका भविष्य उनके हाथ में रहे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता का कोरोना काल के दौरान देहांत हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे अनाथ बच्चों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से 4,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें भरण पोषण के लिए भत्ता देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही जो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस योजना के तहत उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना और अटल आवासीय योजना के तहत उनकी विद्यालयों में शिक्षा कराई जाएगी, मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बालिकाएं हैं, जिन बालिकाओं के माता पिता कोरोना काल के दौरान देहांत हो गया, फिर किसी एक का देहांत हो गया, उन बालिकाओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए उनके विवाह की उम्र में आने पर उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से 1,01,000 रुपये की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में जो बच्चे कक्षा 9 और इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ते हैं, व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे बच्चों का उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस योजना के तहत लैपटॉप की व्यवस्था कराई जाएगी।